नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए जो RSM SSB की तरफ से आई है। जो आपकी वैकेंसी निकली थी LDC का, तो LDC जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ का रिजल्ट इसी महीने जारी होने वाला है। दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म होने वाला है। तो विद आपको ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं जानकारी दूंगा जो इसी महीने आपका रिजल्ट आने वाला है। आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं LDC भर्ती परीक्षा देने वाले 8 लाख अभ्यर्थियों के पेपर की कुंडली होगी तैयार। तो जल्द ही आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। आज की यह लेटेस्ट न्यूज आप सभी देख सकते हैं। जो RSM SSB की LDC भर्ती है, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना आई है, जिसके अंदर पेपर के नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, कब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा और सभी आपके सवालों के जवाब आपको इस न्यूज के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की ये न्यूज़ आप सभी देख सकते हैं। तो जो इसके अंदर टोटल 13 लाख फॉर्म आए थे, जिसमें से 11 लाख जो 8 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए एग्ज़ाम दिया था। तो इस न्यूज़ को अपन देख लेते हैं जूम करके, जो इसके अंदर बता रखा है कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, कैसे क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं LDC भर्ती परिणाम जारी करने से पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 8 लाख अभ्यर्थियों के पेपर की कुंडली तैयार कर रहा है। इसमें देखा जाएगा कि कितने सवालों को हल किया गया, किस सवाल का जवाब सही दिया गया, किस सवाल का जवाब गलत दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार हर एक डिफ़िकल्टी लेवल तैयार होगा। सभी प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल तैयार होने के बाद प्रश्नों पत्रों की जो आपके क्वेश्चंस पेपर की एक रिपोर्ट बनेगी, जिसके आधार पर प्रश्नों पत्र का जो सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे अपने IBPS RRB एंड जो रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी की तरह ही जो LDC का अंदर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो 1200 क्वेश्चंस की एक जो बनाई जा रही है फ्रेम, एंड उनके बाद उनमें से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। एंड जो आपका एग्ज़ाम हुआ था अगस्त और सितंबर के अंदर, इसका एग्ज़ाम हुआ था और इस परीक्षा का बोर्ड ने 4 महीने बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो सामान्यीकरण की जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के चलते अभ्यर्थियों को 15 दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, 15 दिन का सिर्फ आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना है, एंड उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट होते ही आपके जो फाइनल आंसर की के साथ आपकी जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसी महीने के अंत तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। एंड दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करा कीजिए, सिर्फ वो देखने से कुछ नहीं होगा, लाइक करा कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे होगा प्रश्न पत्रों का नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन सामान्यकरण किस प्रकार होगा, तो आप देख सकते हैं बोर्ड ने इस परीक्षा में 8 पेपर लिए थे, एक पेपर में 150 सवाल, यानी अभ्यर्थियों को 1200 सवाल दिए गए थे। कमेटी ने बोर्ड से मांगा है जो नॉर्मलाइजेशन के लिए एक अलग ही कमेटी बनाई गई है, जो क्वेश्चन पेपर का नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो बोर्ड से मांगा है इन 1200 सवालों में से अभ्यर्थियों ने कितने सवाल हल किए, कितने सवाल सही किए, कितने गलत किए। अगर हल किया गया है तो कोई सवाल आधे अभ्यर्थियों ने सही किया है तो आधे ने गलत किया है, तो उस सवाल को सामान्य माना जाएगा। ठीक है, तो अगर 50-50 क्वेश्चन सही हुए तो उसको नॉर्मल रखा जाएगा, अगर किसी ने ही बिल्कुल ही नहीं किया है तो उस क्वेश्चन को कठिन माना जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई सवाल ऐसा है तो बहुत से अभ्यर्थियों ने हल तो किया है लेकिन अधिकांश का जवाब गलत है, तो ऐसे सवालों को कठिन सवालों की कैटेगरी में रखा जाएगा एंड उसके जो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हर सवाल का डिफ़िकल्टी लेवल तैयार होने के बाद ही ये कमेटी है जो प्रश्न पत्रों के सामान्यकरण के लिए स्टैटिक्स फॉर्मूले एंड जो स्टैंडर्ड डिविज़न लागू करते हुए परिणाम जारी करेगी। एंड जो BL जाटावत ने भी बोल दिया है कि इसी महीने यानी जनवरी 2019 के अंदर आपका जो ऑफिशियल रिजल्ट है डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी महीने परिणाम जारी होगा, देख सकते हैं BL जाटावत सर ने बोला है, जो बाबूलाल जाटावत है, चेयरमैन है RSM SSB के। तो इस परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र हुए थे, इसलिए प्रश्न पत्रों के सामान्यकरण के बाद ही घोषित किया जाएगा। इसके लिए कमेटी का गठन कर सामान्यकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हमारा प्रयास है कि इसी महीने के अंत तक LDC का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। BL जाटावत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है, तो इसी महीने दोस्तों आप सभी का रिजल्ट आने वाला है। एंड आपको जो टाइपिंग के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा, तो हो सकता है आपके फरवरी लास्ट या फिर मार्च के अंदर आपकी टाइपिंग हो जाए। तो ये आप सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। ठीक है, और कट ऑफ का मैं आपको कहना चाहूँगा, जिन भी SC ST के स्टूडेंट, अगर उनके 35% बन रहे तो प्लीज़ आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। एंड OBC वाले भी 40 अगर आपके बन रहे तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो जनरल वाले हैं उनके भी 45% बन रहे तो टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली LDC एग्ज़ाम में, क्योंकि
तो आप सभी तैयारी कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है टाइपिंग करने का, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप सभी देख लीजिएगा, और ये न्यूज़ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस महीने आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, 8 लाख अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है, एंड जैसे ही आएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, और चैनल को वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।